अध्याय 38, एक नैतिक दुविधा, समाधान की दिशा। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक महत्वपूर्ण कार्यशाला में भाग ले रहे थे, जिसका शीर्षक था, एक सार्वजनिक सेवक द्वारा सामना की गई नैतिक दुविधा और इसके समाधान के लिए नैतिक सिद्धांतों का उपयोग। यह कार्यशाला उनके यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जहां वे नैतिक दुविधाओं का विश्लेषण और समाधान सीखने वाले थे। एक्सपी सर ने छात्रों को कार्यशाला के लिए प्रेरित किया। आज हम एक नैतिक दुविधा के बारे में चर्चा करेंगे और इसे नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके कैसे हल किया जा सकता है, यह समझेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक सार्वजनिक सेवक के दृष्टिकोण से नैतिक समस्याओं को समझें और उन्हें सही तरीके से निपटाएं। गणेश ने चर्चा की शुरुआत की। एक नैतिक दुविधा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक सार्वजनिक सेवक को नैतिक मानकों और व्यक्तिगत मूल्यों के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसे हल करने के लिए नैतिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। गायत्री ने एक विशिष्ट नैतिक दुविधा का उदाहरण प्रस्तुत किया। मान लीजिए कि एक सार्वजनिक सेवक को एक महत्वपूर्ण सरकारी ठेका आवंटित करना है। एक बड़े ठेकेदार ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की है और साथ ही उनके परिवार के लिए एक महंगा तोहफा भी दिया है। इस स्थिति में सेवक के सामने नैतिक दुविधा है, रिश्वत स्वीकार करें और अपने परिवार के लिए लाभ प्राप्त करें या नैतिक मानकों के अनुसार कार्रवाई करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों। वैष्णवी ने बताया कि इस दुविधा का समाधान कैसे किया जा सकता है। इस दुविधा का समाधान करने के लिए सार्वजनिक सेवक को निम्नलिखित नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एक, ईमानदारी और पारदर्शिता। सेवक को ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। उन्हें रिश्वत की पेशकश को अस्वीकार करना चाहिए और इसे संबंधित प्राधिकृत प्राधिकरण को रिपोर्ट करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अनैतिक गतिविधि नहीं हो रही है। दो, नैतिकता और जिम्मेदारी। सेवक को अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निर्णय और कार्य नैतिक मानकों के अनुरूप हों। उन्हें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनैतिकता से दूर रहना चाहिए। तीन, कानूनी और संगठनात्मक नीतियाँ। सेवक को कानूनी और संगठनात्मक नीतियों का पालन करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून और संगठनात्मक नीतियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। राधिका ने एक वास्तविक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। मैंने एक बार अपने एक सहयोगी को एक नैतिक दुविधा का सामना करते देखा। उन्होंने एक बड़ी कंपनी से रिश्वत की पेशकश को ठुकरा दिया और इसके बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उनके ईमानदारी और नैतिकता ने न केवल उन्हें सम्मानित किया बल्कि उनके संगठन की साख को भी बढ़ाया। रोहिणी ने निष्कर्ष निकाला। इस दुविधा के समाधान के लिए सार्वजनिक सेवक को नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की रिश्वत या अनैतिक गतिविधियों को अस्वीकार करना चाहिए। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत नैतिकता को बनाए रखेगा बल्कि उनके संगठन और समाज की साख को भी बढ़ाएगा। श्वेता ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। नैतिक दुविधाओं का समाधान केवल सिद्धांतों के पालन से नहीं होता बल्कि इसमें व्यक्ति की आंतरिक नैतिकता और जिम्मेदारी भी शामिल होती है। एक सार्वजनिक सेवक को अपने नैतिक मूल्य और पेशेवर आचार संहिता के अनुसार कार्य करना चाहिए। सुप्रिया ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। सार्वजनिक सेवक को हमेशा स्पष्ट और ठोस निर्णय लेने चाहिए। उन्हें किसी भी नैतिक दुविधा का सामना करते समय अपने निर्णय की व्याख्या करने और अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने नैतिक दुविधा और इसके समाधान के लिए नैतिक सिद्धांतों के उपयोग को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपने पेशेवर जीवन में नैतिक दुविधाओं का सामना करते समय सही निर्णय लें और नैतिकता को बनाए रखें।
सत्र के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और समझा कि नैतिक दुविधाओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिक सिद्धांतों को अपनाने और प्रभावी सार्वजनिक सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वे कार्यशाला से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें नैतिक दुविधाओं के समाधान के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता को अपनाने और प्रभावशाली सार्वजनिक सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।